हेलो गाइस, वेलकम बैक माई अनदर न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको शेयर जरूर करनी है। तो आज हर बार हम पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइटरूम को ओपन कर लेनी है। लाइटरूम को ओपन करने के बाद सीधा आपको अपनी पिक्चर को ऐड करनी है, ठीक है, जिस भी पिक्चर को आप एडिट करना चाहते हैं। जैसे मैं एक मॉडल का पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, इस मॉडल का पिक्चर मैं अभी ऐड करूँगा, ठीक है। एंड ऐड फोटो पर क्लिक करके आपको पिक्चर को कर लेनी है ओपन। जैसे पिक्चर आ गया, पिक्चर को आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको सीधा कलर पे ऑप्शन पे जानी है, ठीक है। आपको राइट पे नीचे कलर के ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। सीधा आपको ऊपर पे कॉर्नर पे कलर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करनी है। एंड सीधा जाना है ग्रीन पे, ठीक है। ग्रीन पे जाने के बाद आपको ह्यू को सीधा 100 करनी है, माइनस 100 करनी है। स्टेरियोशन को माइनस 50 पे रखनी है, ठीक है। एंड इसको 30 के आसपास रखनी है लीमेंस। एंड येलो को आपको माइनस 50 के आसपास रखनी है, ठीक है, 55-50 के आसपास। स्टेरियोशन को आपको 40-50 के आसपास ही रखनी है, 50 रखनी है, ठीक है। एंड ल्यूमेंस क्या है उसको आपको माइनस 40 कर देनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं फेस पे, ठीक है। ह्यू को आपको 30 के आसपास रखनी है, ठीक है। एंड स्टेरियोशन को आपको माइनस की तरफ ले जानी है, 20 की तरफ ले जानी है। एंड लेमेंस को आपको 40 के आसपास रखनी है। एंड उसके बाद आ जाते हैं होटो पे, तो होटो आपको स्टेशन को 50 पे रखनी है, लेमन्स को आपको 50 पे रखनी है। एंड उसके बाद सीधा आपको ब्लू का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सीधा आपको आनी है ब्लू में, ठीक है। ब्लू को ह्यू को आपको 93-100 कर देनी है, फुल कर देनी है। लेमन्स को आपको नीचे माइनस 87 कर देनी है। एंड उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आना है। टेक्सचर को आपको हाई करनी है, 50 के आसपास रखनी है, ठीक है। एंड क्लैरिटी को आपको 30 के आसपास ही रखनी है, पहले तो होता नहीं है। एंड विजिनिटी को आपको माइनस की तरफ ले जानी है, 50 रखनी है बस, माइनस। सो गाइस, आपको बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा साउंड आ रहा होगा, सॉरी गाइस इसके लिए। एंड उसके बाद गाइस आपको कस्टम पे आनी है, ठीक है। टिंट को आपको प्लस 25 करनी है। एंड अपना पिक्चर हो जाएगा रेडी। एंड उसको आपको सेव कर लेनी है। तो उसके बाद गाइस आपको सेव तो हो जाए, हाँ। उसके बाद गाइस आपको सीधा आ जानी है पिक्सआर्ट पे, ठीक से। पिक्सआर्ट पे आने के बाद आपको पिक्चर को ओपन कर लेनी है पिक्सआर्ट पे। एंड गाइस, अपना पिक्चर कुछ इस तरफ से बन के आया है। एंड सीधा आ जानी है आपको इफेक्ट पे, आनी है मैजिक पे, ठीक है। आपको मैजिक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, मैजिक कहाँ आ गया, मैजिक हाँ। मैजिक पे आने के बाद आपको फ्लोरा का ऑप्शन मिलता है। फ्लोरा पे क्लिक करने के बाद आपको 3 गोल गोल चिन्ह मिल जाती है, उस पर वो क्लिक करके पिक्चर को कर लेनी है सेव, ठीक है। एंड गाइस, पिक्चर को सिलेक्ट फ्लोरा करने के बाद कुछ इस तरफ से बन जाएगा। एंड उसके बाद आपको ब्यूटी पे जाके फेस फिक्स करनी है, सेम तरीके से फिक्स आपको 7-8 के आसपास रखनी है। हार्डनेस को आपको 100 करनी है। एंड फेस पे ब्यूटी को ऐड कर देनी है गाइस। तो मैं थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ। एंड इफेक्ट सॉरी ब्यूटी ऐड करने के बाद आपको सेव कर लेनी है। एंड उसके बाद फिर से आपको इफेक्ट में जानी है, फिल्टर में जानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ICY1, ठीक है। ये वाला एक इफेक्ट मिल जाता है आपको फिल्टर, उसे आपको सिलेक्ट करके सेव कर लेनी है सीधा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको सीधा आनी है ऐड फोटो में, ठीक है। इस PNG का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। एंड अपनी पिक्चर पे आपको फुल ठीक से ऐड करनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ नीचे ऊपर, उसे आपको भी हाई एंड लोई करनी है। आप कोई सा भी पिक्चर पे ये PNG ऐड कर सकते हैं।
जैसे मेरे फेस पे आ गया है ठीक है ए पी एन जी, तो उसे मैं रिमूव कर दूंगा, सॉरी इरेज कर दूंगा। हेयर के ऊपर वाला जो पी एन जी का इफेक्ट आ चुका है उसे मैं इरेज कर दूंगा। इरेज करने के बाद आपको कर लेनी है सेव एंड उसके बाद सीधा आपको टूल में जानी है ठीक है। टूल में जाने के बाद आपको जानी है एडजस्ट पे, एडजस्ट के जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को कर देना पूरा लो -80, 88 ठीक है एंड उसके बाद इरेज करनी है। तो इरेज किस तरफ से करनी है आपको, हार्डनेस को कम करनी है, साइज को कम करनी है, ऑप्टिसिटी को कम करनी है एंड इरेज कर देनी है कुछ इस तरफ से। इस तरह से एडिट करने के बाद अपना पिक्चर हो जाएगा रेडी। तो आज के वीडियो में इतने, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।